जबलपुर में सुरक्षा संस्थानों के संयुक्त समिति ओएफ के लेबर यूनियन, कामगार यूनियन, एससी एसटी यूनियन का खमरिया प्रशासन द्वारा लिए गए कर्मचारी विरोधी निर्णय पर आज का आंदोलन सफल रहा। आज भी धरना स्थल पर सैकड़ों लोगों ने अपना समर्थन दिया एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे अड़ियल रवैये का पुरजोर विरोध किया गया। इस धरने के समर्थन में लगभग 51 लोग धरने पर बैठे। वक्ताओं में अर्णव दास गुप्ता, जिन्होंने अपने उद्बोधन पर प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन चाहता ही नहीं है निर्माणी का टारगेट पूरा हो, और उसका आरोप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों पर आए एवं उन्होंने बताया कि निर्माणी का कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है। महाप्रबंधक ने अपील की है कि कर्मचारी धरने स्थल से उठकर काम पर वापस आए। उन्होंने एक पत्र भी जारी कर कारखाने के कर्मचारियों को मालिक बताया है। हम महाप्रबंधक से यह पूछना चाहते हैं कि हम कर्मचारी कैसे निर्माणी के मालिक हैं? आज भी हमें अपने हक के लिए धरने से प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रशासन से यह मांग की है कि जल्द से जल्द इस अवरोध को समाप्त किया जाए एवं निर्माण के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्माणी में 54 घंटे ओवरटाइम दिया जाए। सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे तुगलकी फरमान तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाए, अन्यथा कारखाने का कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः खमरिया प्रशासन की होगी। धरने पर पुष्पेंद्र सिंह, अर्णव दास गुप्ता, राजेंद्र चड़ारिया, प्रेमलाल सेन, हरिहर मीणा, शशिभूषण पासवान के साथ साथ सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। आंदोलन तब किए जाते हैं जब निहित ही आवश्यक हो जाता है। आज वही परिस्थिति आज निर्माणी खमरिया में निर्मित धरना प्रदर्शन और हड़तालें ये ट्रेड यूनियन के आखिरी हथियार हैं। जब वार्ता समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब निष्कर्ष नहीं निकलेगा या परिणाम अनुकूल नहीं होंगे, तब ये कार्य किए जाते हैं। आज उसी तारतम्य में आज निर्माणी खमरिया में धरना का ये दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। हम सर्वप्रथम निर्माणी के तमाम कर्मचारियों को, एसोसिएशन को और जो हमारे रिटायर्ड वरिष्ठ लीडर हैं जिन्होंने इस आंदोलन में कल आके अपना समर्थन दिया, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना हमको समर्थन दिया और इस धरने प्रदर्शन आंदोलन को संबल प्रदान किया। हम निर्माणी के महाप्रबंधक महोदय को भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आखिर तकरार है कहाँ। तकरार सिर्फ इस बात पर है कि कारखाने के अंदर जिस समय पर उत्पादकता, उत्पादन और क्वालिटी की बात होनी चाहिए उस समय पर निर्माणी की तमाम परिस्थितियां चालू हो रही हैं, लेकिन दूसरी बातें नहीं हो रही। हम सिर्फ कहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आउटकम एक प्रकार से शून्य है। हम महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से कारखाने के अंदर 54 घंटे ओवर टाइम चालू किया जाए। तत्काल प्रभाव से कारखाने के अंदर जो भी कर्मचारियों के बीच में एक अनरेस्ट का वातावरण बना हुआ है उसको समाप्त किया जाए। कर्मचारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक हैप्पी नेचर में काम करने के लिए उनको अनुरोध किया जाए कि वो आए और पूर्ण लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें, क्योंकि जिस जगह पे हम काम करते हैं वो जगह इतना सेंसिटिव होता है कि अगर जरा हम काम कर रहे हैं और अगर जरा हमारा माइंड, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है तो उस क्रिया की एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती है जो पिछले कुछ दिनों पूर्व हमको F6 अनुभाग में देखने को मिली है। अगर जरा कर्मचारी मानसिक तनाव में नहीं रहेगा, अगर कर्मचारी पूर्णतः अच्छे वातावरण में काम करेगा तो निश्चित रूप से कारखाने के अंदर उत्पादकता, क्वालिटी, गुणवत्ता सब कुछ हमको प्राप्त होगा। एक एक कार्यकर्ता, कामगार यूनियन, SC ST यूनियन, लेबर यूनियन के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ मैं, राजू जराड़िया, कि हमारा जो धरना चल रहा है इसमें सहयोग प्रदान करें और महाप्रबंधक को सद्बुद्धि दें कि जो भी ये फरमान लाए हैं उनको तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। अभी पीक का टाइम है हमारे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का। हम निवेदन करते हैं फिर महाप्रबंधक महोदय से तत्काल प्रभाव से निरस्त करें और हमारा सहयोग प्रदान करें, जिसमें कि आपका जो टारगेट 3500 करोड़ का है तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो सके। 11/2022 से लगातार तीनों यूनियन धरना पर बैठी है, कामगार यूनियन, SC ST यूनियन एवं लेबर यूनियन। निर्माणी के एक एक कर्मचारी एवं अधिकारी से अपील करते हैं इस धरना को सफल बनाने में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें, ताकि 3500 करोड़
का जो लक्ष्य हमको दिया गया है उसको पूरा करें। तो महाप्रबंधक महोदय से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से जो आदेश फरमान तुल्लक की फरमान जारी हुई है उसको निरस्त करते हुए 54 घंटा ओटी देने का आदेश जारी करें। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।